स्वागत है दोस्तों आपका अक्षय ब्लॉग्स में। यह है सुबह सुबह, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, अमेजिंग है। ऊपर देखो शायद स्नो पड़ी हुई है अच्छी खासी ना। तो चलो तैयार होते हैं और निकलते हैं। आज का जो दिन है, आज है सांगला से चितकुल। आज हम चितकुल जाएंगे, इंडिया लास्ट विलेज, और वापस यही आएंगे सांगला। तो जी सुबह के हो चुके हैं 10:15 और हम लोग निकल चुके हैं चितकुल के लिए। हमारे सर, अरे अविनाश भैया, हमारे अविनाश भैया हमें लेके जा रहे हैं चितकुल। नहीं नहीं है कब मिले काफी। हाँ जी हमें भैया कितना टाइम लग जाए? 2 घंटे लगभग, 1.5-2 घंटे हो, यानी हम 12:15 तक पहुँच जाएंगे अपने लंच टाइम तक। तो निकलते हैं। डे 3 ये कौन है तंबूरा? बस आयो तेरी याद उतर गया तेरे कमरे। इसी जगह पे रुक गए हम लोग। ये जो नीचे है ये बतसेरी गांव है। तो कुछ साल पहले जो हमने देखा था जिसमें एक पहाड़ पूरा का पूरा गिर गया था और गांव का पुल टूटा था, वो यही इसी पहाड़ की एक पीछे वाली पहाड़ी है। दिस इज अमेजिंग यार, आप सूरज देखो ऊपर। तो एक गांव है रक्षम आने वाला है और उससे पहले विष्णु। रक्षम गांव पहुंच गए हैं लेकिन हम यहां से निकल जाएंगे ना भैया। ब्यूटीफुल विलेज यार, हम चलते चले जाएंगे ना, उनका वेट कर रहा हूं। रक्षम गांव, वो पुल है विलेज में जाने के लिए, वो लोग वहां पे गए हुए हैं। नाइस, अति सुंदर गांव यार। रक्षम गांव है ये, खूबसूरती एडिट बेस्ट, शांत है, ऐसा नहीं ढोल वोल कुछ बज रहे हैं, वो सोलांग वगैरह की तरह एकदम। ओके न कैलाश, इस पहाड़ के पीछे ओके न कैलाश है, अमेजिंग यार। तो भैया रुक गए आगे पीछे का, हमारे ग्रुप की गाड़ी आ रही है तो भैया ने बोला कि हम रुक जाते हैं थोड़ा सा, तब तक हम लोगों ने कहा हम वॉक कर लेते हैं। ओ लुक एट इट यार, आई जमी, वाओ प्लेस टू बी यार। अगर लगेगा तो कत यहाँ पे बाइक से ट्रिप बना के 1-2 दिन यहीं रुके, एक दिन तो रुकने का बनता है यार रक्षम में। तो ये शोशला पीक आपके लेफ्ट में सामने है, शोशला पीक इसका ट्रैक होता है, हाइक होता है। नहीं सर, तो जी हम लोग पहुंच गए हैं चितकुल। और हाँ जी हाँ जी, कितना ठीक है, इंडिया लास्ट विलेज और ब्यूटीफुल यार। तो ये पूरे गांव है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये छोटे मोटे होम से हैं। वो एक भगू आ रहा है, हेलो हेलो, कहाँ घूम रहे तू? धूप में घूम, बर्फ में घूम रहे। बना रहा था। बड़ी प्यारी जगह है यार ये, तो यहाँ पे एक तिरंगा है, मैं देखता हूँ जूम इन होके अगर दिखे थोड़ा सा।
आई होप अब दिख रहा होगा, है ना। तो ये उस पीक पे है तिरंगा, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, देख रहे हो, जूम आउट करके ये है। क्या बात है, तिरंगा यार, जय हिंद जय भारत। तो मैंने भैया से पूछा था कि यहाँ की गाय मतलब हाइट में छोटी क्यों होती हैं, तो कह रहे कि इनका जेनेटिकली यही है, बट इसलिए छोटे होते हैं बिकॉज इनको हाइट बहुत चढ़नी होती है ना पहाड़ों पे, इस वजह से। तो इस वजह से वो बोनी होती हैं ताकि उनका वेट इतना ना हो पाए, छोटे रहें और आराम से अपना चल सकें, है ना। तो आपको पूरा रास्ता जो फॉलो करना पड़ता है वो वही है, सांगला से करीबन 2 घंटे का, अगर आप 4x4 गाड़ी लेके चल रहे हैं। अगर 4x4 नहीं है, 4x2 भी है तो चल जाएगी, अगर आपके पास मोड्स हैं ठीक ठाक से, जैसे वेट मोड है या फिर कोई है, तो मस्त चल जाएगी गाड़ी। तो एक सफारी है जो हमारे ग्रुप की है, और एक पीछे मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स आ रही है, ये 4x4 है, वो 4x2 है। तो अगर 4x2 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना मुझे लगा नहीं, जितना मैंने देखा है कि लद्दाख में ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी एज़ कम्पेयर टू अभी तक जो हमने करी है, शायद स्पिति में ज़्यादा हो, यहाँ पर तो इतना नहीं है। अगर आपके आसपास या रास्ते में कोई भी जानवर पशु पक्षी घायल एवं जख्मी अवस्था में मिलते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर जानकारी दें। सो, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और ये हमारा सांगला कुमरू स्पेशल एरिया का मैप है पूरा का पूरा, जो हम हाइट पे खड़े हैं वो तकरीबन शायद 11,000 या 13,000 फीट की हाइट में इस टाइम। तो टेम्परेचर धूप है शायद इस वजह से, ये भाई साहब बैठे हुए बड़ी रॉट व्हीलर से लग रहे हैं, तकरीबन हाँ 11,320 फीट की ऊंचाई है। ठंड इतनी नहीं है, मतलब मैंने टोपी भी नहीं पहनी हुई, मस्त एकदम हवा चल रही है, और गर्मी ठंड है बट लग नहीं रही है। तो वो नीचे नदी चल रही है, ये बसपा नदी है, भैया ने बताया था। कौन से मंदिर जा रहे हैं हम? आप एक मिनट यहीं रुकना, अच्छा। सब आ जाए, मैं जिप करके आ रहा हूं। ओके, मैं पानी ले आऊं। तो भैया हम लोगों को एक मंदिर है माता रानी का, शायद वहां लेके जा रहे हैं। मैं एक पानी की बोतल उठा लूं अपने की। तुम गांव के बीच से ट्रैक हाई कुछ भी कह लो, वो करते हुए ऊपर मंदिर जाने ताकि दर्शन कर सकें, फिर वापस नीचे रिवर पे लंच कुछ भी कह सकते हो, ब्रंच का। तो इनका बताया गया है कि ये बहुत शैतान है, ये दो दोस्त मिले मुझे, तो इसलिए ये अपनी मम्मी का दूध बिना टाइम के पीने चले जाते हैं, तो इनके मुंह पे इसको बांध दिया गया है। और ये मुझे एक भेड़ भैया मिले हैं छोटे से, देखो वो मम्मी को बुला रहे हैं। तो ये मंदिर है अपना माता रानी का, फुल ऑन बर्फ के साथ, एक थोड़ा स्नो में वॉकशॉप कर लें, और एक देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ से, एक ये मंदिर है और तो ये माता रानी का मंदिर है, मट्ठी देवी माता रानी है ये, और ऊपर देखो। तो मैंने सोचा दर्शन तो कर ही ले, है ना। ले ले, तो मैं एक एप्पल लेके आया था, खा नहीं रहा गुस्सा से। ओ हो हो, तो मैं सोच रहा हूँ इन गाय को दे दूँ, अगर ये खाएं तो। एप्पल खाओगे? आ गई क्यूटी। चलो माता रानी के दर्शन हो गए, मट्ठी माता के। ये इनका जैसे हमारे यहाँ घेर होता है ना, घेर, घेर में सारे के सारे जानवर रहते हैं, और यूपी साइड में और घर में लोग रहते हैं, वैसे इनका ये घेर है। तो हम लोग अब वापस जा रहे हैं यहाँ से, फिर नीचे जाएंगे जहाँ पे रिवर साइड, कह रहे हैं भैया कि लंच वंच करेंगे हम, अपना गैस सिलेंडर वगैरह लाए हैं, तो लेट्स सी क्या बनाते हैं भैया, और फिर उसके बाद अपन वापस। सो
सांगला के लिए, और फिर वहाँ पे शाम का एक फोर्ट का प्लान है कि फोर्ट देखने जाएंगे। तो अभी तो यही है, याक भैया या फिर बैल या गाय भैया जो भी, आप थोड़े से हट जाओ, नहीं हटेंगे, हमें ही साइड से जाना पड़ेगा। तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं वापस, बैक टू द स्क्वायर वन, बैक टू द स्क्वायर रूट वन, है ना। तो अब हम जा रहे हैं भैया नदी पे ना, कौन सी नदी है, बसपा नदी पे जा रहे हैं हम लोग, और वहीं पे आज हमारा लंच होगा, लंच कह लो चाहे ब्रंच कह लो, ब्रंच ब्रेकफास्ट करके निकले थे, पर फिर भी फुल ऑन स्नो है रोड पे, पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं उसके चेन लगा दी गई है भैया ने, और अपनी वाली तो 4x4 है, जिप्सी है, भैंस की कोई जरूरत ही नहीं है। ब्यूटीफुल यार, लड़के लेते हुए मजे दुनिया के। आ गया और भैया ने यहाँ लगवा दिया गाड़ी बिल्कुल बर्फ में, आप देखो कतई। एक तो यार मुझसे टास्क करवाते हैं, बुजुर्ग आदमी से ऐसा काम करवाते हैं, लुक कैरेट कतई, स्नो के बीचों बीच लगवा दी गाड़ी भैया ने। ओहो मैं और दीक्षु भाई वापस आ जाएंगे, हम यहाँ पे कुछ कुक करना शुरू कर देंगे। तो जैसे आप यहाँ वापस पहुँचोगे आपको सूप मैगी मिलना शुरू हो जाएगा। पहले मैं आपके साथ आगे आऊंगा फिर मैं वापस आ जाऊंगा। तो रिवर में अंदर मत जाना पानी में, जूते गीले हो जाएंगे फिर वो सूखेंगे नहीं पूरे ट्रिप में। आया कैप्टन सिमरन। तो जी हम जा रहे हैं रिवर पे, बसपा रिवर जो भैया ने बताई थी। मैं बैग दे दो, वो नहीं चल दिया वो। तो हम लोग अभी बस पर रिवर पे जाएंगे, भैया ने बोला है कि साइड में किसी बर्फ बर्फ में घुसना बिकॉज एंकल ट्विस्ट हो जाएगा और लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए हम धीमे धीमे चल रहे हैं और उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। स्नो ही स्नो। तो वो जो आपको बिल्डिंग दिख रही है दैट्स द स्कूल, यहाँ का चितकुल का हायर सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल। नहीं सर साइड पे भी स्कूल बनाए हुए हैं। आराम से नहीं डिसबैलेंस ना, दोनों तरफ कुछ है नहीं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, ऊपर वो मेन रोड है, हम लोग उधर से आए हैं और ये ग्रुप है पूरा का पूरा। वाह यार फीलिंग। तो जी इसी के साथ रिवर पे पहुंचते हुए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन खिलाड़ियों का, लेट मी शो यू द रिवर, देयर यू गो, कुछ ज्यादा ही चमक रहा है माहौल। हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ा सा पत्थरों पर खड़ा होने की सोच रहा हूँ ताकि ग्रिप बन जाए। तो जी मैं गया हूँ बैट एंड मैं यहाँ पर हूँ। तो हम लोग वापस जा रहे हैं यार, जब आए थे कितनी सही स्नो थी, पूरी काली हो गई है। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, भैया कह रहे वहाँ पे बुलाया कुछ खाने पीने के लिए या फिर पीछे जाके, आई डोंट नो। हाँ वहीं पे कह रहे थे बच्चे स्नोमैन वगैरह बनाएंगे, मैं तो क्या ही स्नोमैन बनाऊंगा। इट वाज नाइस यार, मज़ा सा आ गया, भाई के परछाई भाई के साथ। तो मैंने बर्फ़ के गोले खा लिए कोक के साथ, ओहो जहर। बाकी अभी देखते हैं भैया क्या खिलाते हैं, मैगी शैगी तो बनाएंगे मेरे लिए, लेट्स सी। तो बच्चे स्नोमैन बनाते हुए भैया के साथ। हेलो सर लाइए आपका लुक हो गया पूरे। तो जी भैया ने बना दिया, शायद सूप है, मैं ले लूं ग्लास।
हमारे अविनाश भैया ने बनाया जू सूप है, किटकिट टमाटो है। ओह हो व्हाट अ व्यू टू द नेचर, सूप टू द नेचर, क्या बात। अरे थैंक यू भैया, तो भैया ने बना दिया सूप, मैंने अभी पी लिया कोक, पता नहीं क्या करेगा। भैया से मैंने थोड़ा और सूप चुरा लिया और मैं जा रहा हूँ वापस नदी पे, आराम से बैठे, मैंने बोला 15-20 मिनट में आऊँगा सूप ख़त्म करके, वहाँ पे थोड़े गाने गुने चल रहे हैं, है ना, अपना अपना टेस्ट है, तो मैं वहाँ जाके थोड़ा सा 15-20 मिनट वापस आ जाएंगे जब खाना वाना बनाएंगे भैया। दिल्ली ले जाओ इस प्यार को, मुझे प्यार में दिल्ली ले जाओ, इतना प्यार, क्या बात है, मैगी बनती है, क्या बात है। बब्बू को हमने ब्रेड दे वो रखे, फिर टाइप पड़ जाएगी, दे दिया उधर मैंने। तो भैया ने ब्रेड और मैगी बनाया, तो मैगी खाते हैं तो जी, अब बन रही है कॉफी, कॉफी एंड बिस्किट्स। अविनाश भैया विद और शुगर ही है सारी, नाइस ब्रो। तो स्नोमैन भाई ने हमारा चश्मा ले रखा था उधार, अब हम वापस ले रहे हैं, बट ये अब अड़ गया है। विल यू हेल्प मी, चलो आ जाओ। इसका तो निकल गया, एक सेकेंड इसका भी निकालना, कांड हो गया। आई होप सो, ये थोड़ा स्लिप मार रही है गाड़ी, तो भैया ने एक स्लीव निकाली है ताकि सारा मिल सके। थोड़ा आगे करो, थोड़ा आगे, अब लो, चलो 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 चलो, शाबाश आ गई। फ्री हो रहा टायर ना, अब पूरे मोशन में जाना। ए हटो, चलो चलो जाओ, खुश चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उल्टा उल्टा लग, उल्टा लग, उल्टा लग, उल्टा लग। ओह हाल, ओ चलो तो पजेरो में लगाना पड़ा है धक्का थोड़ा सा, स्लोली स्लोली चलो, निकल जाएगी अब तो, खैर नहीं तो देखते हैं। घूम रही है गाड़ी फ्रंट टायर की वजह से, फ्रंट टायर में चेन नहीं है, शिट। शायद एक चेन टूट गई गाड़ी की, फिर ये क्या सारी चेन उतर गई, हाँ शायद टूट गई है, उतर गई है, यहाँ पे गई है,
से तो भैया प्यार हो गया जिप्सी से। मैंने मना कर दिया अविनाश भैया को, टो करने की कह रहे थे, मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, है ना फालतू में। देखिए दुनिया को पावर शक्तिमान था ना, छुपके रहता था। हाँ छुपके रहने सुपर, हाँ सुपरमैन हो आप छुपके रहो, हाँ, लोगों की नज़रें लगती हैं भैया। नहीं हाँ छोटा इंजन है, वैसे खींच देती। अविनाश भैया आप और मैं मिलके खींच दें, इसे टाइम ज्यादा लग रहा है इतना, मेरे पास टाइम नहीं। हाँ जल्दी निकल जाएगी है ना, थोड़ा अपने टाइम काम क्या है, टाइम बहुत है अपने पास। हाँ तो हमने अपनी पावर्स छुपा ली है, मैं हल्क बन जाऊं? नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं, आज सफर लंबा है, आज सोमवार भी तो है, सोमवार भी तो है। तो जी शाम के हो चुके हैं 6:06 और अभी तक पजेरो हमारी नहीं निकल पाई है, हमारी क्या जो ग्रुप की है जिप्सी निकल जाती है बट वो पीछे इसलिए सपोर्ट के लिए। तो गांव से हम लोग चित्र गांव से एक बुलेरो वाले भैया को मैं पकड़ के लाया हूँ, उन्होंने कहा कुछ पैसे वैसे, मैंने कहा भैया पैसे ले लो ना गाड़ी निकलवा दो। तो शाम के 6:00 2 बजे से हम लगे हुए 2:10 से, एंड अब ये फाइनल है। तो बुलेरो में भी चेन वगैरह लग चुकी हैं, लेट्स सी निकल पाती है कि नहीं, आई होप निकल जाए। तो पीछे लेके गए हम लोग, वहाँ तक गाड़ी लेके जा चुके थे, वो जो आपको गड्ढा दिख रहा होगा ना ब्लैक, वहाँ तक पजेरो आ चुकी थी। बट एनी हाउ नाउ दे आर ट्राइंग द लास्ट थिंग कि लोकल भैया हैं, बस ड्राइवर हैं, वो टो करेंगे। एंड लेट्स सी, 3 जने आए हैं गाँव से, आई होप ये निकाल के। हाँ काफ़ी दूर तक तो निकाल के लाए बट सेम जगह पे फिर से स्टक हो गई है। तो जी हालत है ख़राब, सफारी स्टॉप निकल चुकी है और यहाँ पे जो दो फैमिलीज थी उनमें बच्चों की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, एंड फीमेल्स को भी उल्टियाँ वगैरह हो रही है। तो उनको बोला है कि आप लोग निकल जाओ, हुसो एवर कैन लीव फ्रॉम हेयर, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर -3 हो चुका है, एंड हु वॉन्ट्स टू स्टे सो दे कैन। सो लोग जो निकल सकते हैं वो निकल रहे हैं, वहाँ पे वो लोग ऊपर निकल गए, सफारी वाले निकल रहे हैं और जितने लोग हो सकते हैं, एंड वी विल स्टे, लेट्स सी। हम ट्राई करेंगे कि हम पजेरो को निकाल सकें विद द हेल्प ऑफ गांव वाले भैया, वो आ रखे हैं हमारे साथ। तो ट्रैक्शन नहीं बन रहा है, मोशन नहीं बन रहा है गाड़ी का, तो और पीछे लेके गए हैं। द प्रॉब्लम इज़ इट्स 4x2 नंबर 1 नंबर 2 प्रॉब्लम है उसका कि उसका वेट ज़्यादा है। सो समवट लाइक मित्सुबिशी, समवट लाइक टाटा जो हमारे साथ हैरियर में जैसलमेर में हुआ था, हिल ही नहीं रही है। तो आई एम गोइंग अगेन डाउनवर्ड्स, मैं वहाँ जाके लेट्स सी क्या ही कर सकते हैं, देख ही सकते हो, यू कांट डू एनीथिंग। तो फिलहाल यही अपडेट है, गाड़ी नहीं निकल पा रही है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, एंड लेट्स सी वी आर ट्राइंग फुल ऑन। शाम हो चुकी है, 6:20 हो रहे हैं और 6:30 इनफैक्ट, लेट्स सी जो भी होती है अपडेट। आज लग रहा है हम लोग, मैं सोचा था फोर्ट पे जाऊंगा बट नहीं हो पाएगा, एंड देखते हैं वापस कितने बजे तक होटल पहुंचते हैं। सो भाई 4x2 मत ले आया करो, 4x4 बिल्कुल लाओ, नहीं तो पैदल जिंदाबाद, सबसे बढ़िया है 2x2 की गाड़ी। चलो आगे देखते हैं, कोशिश तो की गई है, ऊपर वाला आशीर्वाद बनाए रखे, वही है जहाँ पे पीक पे दिक्कत होती है। भोले बाबा की जय हो, निकल गई। अजय दीक्षित भाई निकाल दी गाड़ी, आखिरकार ये डॉगी आ रहा है। पीछे कौन सा सामान था? शाम के 7:45 हो रहे हैं, आखिरकार गाड़ी निकल गई और हमारा डॉगी हमारे साथ आ रहा है। बकालू हमारी जिप्सी भी आ गई, तो 2 बजे के हम लगे हुए थे, 7:45 गाड़ी हमारी निकल पाई है भैया, हेल्प वेल सब कुछ ले ली और अब हम चल रहे हैं चांगला सीधा नॉन स्टॉप है भैया। बिल्कुल चलो जी। तो जी रात के हो रहे हैं 8:10 और हम अब जाके पहुंचे हैं। तो आज का व्लॉग तो यहीं समाप्त होगा, एंड कल सुबह हम लोग निकलेंगे काजा के लिए जो कि स्पीति का पार्ट है, और देखते हैं